आओ बच्चों सुनते हैं कार्यक्रम रात और दिन। उठो बच्चों, उठो मुन्नी, रमेश उठो भाई, सुबह हो गई है, स्कूल जाना है ना, जल्दी करो उठो। क्या है माँ, अभी सोने दो ना कुछ देर और। अरे भाई सुबह हो गई है, सूरज निकल आया है, चलो उठो और स्कूल की तैयारी करो, चलो जल्दी उठो उठो उठो। ओहो अब तो उठना ही पड़ेगा, ये सूरज भी क्या है, रोज जल्दी निकल आता है, नींद पूरी भी नहीं होती। ठीक कहा भैया तुमने, पर मुन्नी ये सूरज रोज सुबह कहाँ से आता है और रात को कहाँ चला जाता है, और ये रात और दिन कैसे होते हैं, क्यों होते हैं? क्या बात है बच्चों, तुम लोग बातें ही करते रहोगे या स्कूल जाने की भी तैयारी करोगे, चलो जल्दी करो चलो चलो। पर माँ मैं तो मुन्नी से पूछ रहा था कि सूरज कहाँ से आता है और शाम को कहाँ चला जाता है, और माँ मैं पूछ रही थी कि रात और दिन कैसे होते हैं। अच्छा तो ये बात है, मुन्नी तुम बताओ सूरज कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है? माँ सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में चला जाता है। मुन्नी सूरज ना कहीं जाता है और ना कहीं से आता है। तो फिर ये कहाँ से आता है? ऐसा नहीं है बच्चों जैसा तुम सोच रहे हो, सूरज तो अपनी जगह पर स्थिर है। है स्थिर है, यानी वह कहीं आता जाता नहीं? हाँ स्थिर है एक जगह पर। तो फिर ये क्या चक्कर है रात और दिन का? और माँ सूरज के बारे में भी तो कुछ बताओ। ठीक है बताती हूँ, ध्यान से सुनो रात दिन और सूरज के बारे में। अच्छा सुनाओ। बच्चों हम देखते हैं कि सूरज रोज प्रातः निकलता है और शाम को छिप जाता है, लेकिन न तो सूरज निकलता है और न ही कहीं छिपता है, ये स्थिर है अपनी जगह पर। हमारी धरती यानी पृथ्वी ही अपनी धुरी पर घूमती है। अच्छा पर माँ ये धुरी क्या होती है? बिल्कुल ठीक सवाल किया तुमने, धुरी यानी पृथ्वी का अक्ष जिस पर वो घूमकर अपना एक चक्कर पूरा करती है। हमारी पृथ्वी एक लट्टू की तरह लगातार अपनी धुरी यानी अक्ष पर घूम रही है। पर ये घूम कैसे रही है? पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, और इसीलिए सूरज रोज पूरब से निकलता और पश्चिम में छिपता दिखाई देता है। अच्छा ये चक्कर है। हाँ अब आया कुछ कुछ समझ में। और हाँ बच्चों, पृथ्वी के इस प्रकार अपने कक्ष पर घूमने को परिभ्रमण यानी घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन ये क्या होता है? घूर्णन यानी घूमना। अपनी धुरी पर चक्कर लगाना, और इसी से हमारी धरती पर रात और दिन होते हैं। पृथ्वी के जिस भाग में सूर्य होता है वहाँ दिन और दूसरे भाग में रात होती है। हाँ अब आया समझ में। बच्चों पृथ्वी का परिभ्रमण यानी एक पूरे चक्कर का समय 24 घंटे का होता है। और ये समय एक दिन रात कहलाता है। इसका मतलब एक दिन रात में 24 घंटे होते हैं। हाँ शाबाश मुन्नी, आ गया ना अब समझ में तुम लोगों की? हाँ माँ। रमेश मुन्नी अब हम इस बात को गाने में दोहराएंगे, ठीक? जी। दिन भर हम करते हैं काम, सूरज ढलता होती शाम, रोज शाम को हम घर आते, खाते पीते फिर सो जाते।
रात हमें देती आराम, दिन भर हम करते हैं काम। रात हमें देती आराम, दिन भर हम करते हैं काम। दिन में सूरज चमका करता, रात कहीं वो छिप जाता। दिन में सूरज चमका करता, रात कहीं वो छिप जाता। सुनो सुनो बच्चों, सुनो सुनो, सुनो सुनो बच्चों, सुनो सुनो। ये है धरती, ये है धरती, प्यारी प्यारी गोल मटोल। ये है धरती, ये है धरती, प्यारी प्यारी गोल मटोल। इस धरती पर हम सब रहते, इस धरती पर हम सब रहते, प्यारी प्यारी गोल मटोल। प्यारी प्यारी धरती गोल, प्यारी प्यारी धरती गोल। सूरज है एक आग का गोला, सूरज है एक आग का गोला। सूरज है एक आग का गोला, दूर गगन में चमका करता। सूरज है एक आग का गोला, दूर गगन में चमका करता। सूरज एक जगह ठहरा है, कभी न छिपता कभी न उगता। सूरज एक जगह ठहरा है, कभी न छिपता कभी न उगता। अपनी धरती घूमा करती, किरणों का मुंह चूमा करती। अपनी धरती घूमा करती, किरणों का मुंह चूमा करती। पश्चिम से पूरब घूमा करती, एक रात और एक दिवस में। पश्चिम से पूरब घूमा करती, एक रात और एक दिवस में। अपना चक्कर पूरा करती, इसी से होते हैं दिन रात। अपना चक्कर पूरा करती, इसी से होते हैं दिन रात। आई बच्चों समझ में बात, आई बच्चों समझ में बात। रात और दिन, अभी आप सुन रहे थे CIET, SIET एवं SCERT द्वारा प्रस्तुत ये संयुक्त कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया था श्रीमती फूलवती, श्रीमती सुभगा घाटगे, श्री सत्येंद्र जी, श्री बुद्धि प्रकाश और श्री ज्योतिराम कदम।